ये है अगोड़ा जेल, वहाँ पे मस्त अपना तिरंगा है और अंदर जाने भी दिया जा रहा है, पर हमें तो भैया समंदर में इंटरेस्ट है। यहाँ से नीचे जाके समंदर का व्यू जो है ना करीब से देखेंगे। कम ऑन गाइस, फॉलो मी। ओह माय गॉड, बैंड बज गई है भैया, थक गया हूँ। फिर भी पता नहीं कैसे ब्लॉक किया जा रहा है ये, पर ये जो प्लेस जहाँ हम लोग आए अगोड़ा जेल, वर्थ है, टोटली वर्थ है भाई, एकदम खूबसूरत। अभी हम एंटर करेंगे अगोड़ा जेल। मंत्र का पता है कहाँ? ये तो बहुत बढ़िया है ब्रो, वेल मेंटेन्ड है। इसके पीछे जरूर कुछ हिस्ट्री होगी। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाए गए हैं, लेट नहीं हो, वैसे बनाया गया है भाई, खराब नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, कितना रियल लग रहा है, देखो ना, जबरदस्त यार। यह भी है जबरदस्त यार, सोच में डाल देती है सब चीज़ें मुझे। और रही बात तो वहाँ जाने की, मुझे नहीं लगता वहाँ छोड़ रहे शायद किसी को, पूरी पब्लिक की भीड़ लग जाती है अब तक। और मैंने सनग्लासेस इसके लिए नहीं पहने हैं कि जब से यहाँ आया हूँ एक बार भी सन दिखाई नहीं। और अभी चालू होगा तोहफों का सेक्शन, जो मेरे खास दोस्त थे उनके लिए भाई 40 तोहफों की सलामी। तो बड़े बड़े तोहफे एकदम पंचे धातु बस में बना होता जैसा का कुछ। मुझे यहाँ की एक चीज़ बहुत ही प्यारी लगी है कि थोड़ा भी कचरा नहीं है, नथिंग, वेल एंड नीट एंड क्लीन है। देखो पूरा नीट एंड क्लीन है, थोड़ा भी ऐसा लग रहा नहीं है कि टूरिस्ट प्लेस है। भाई वेल मेंटेन कैसे रखते हैं इतना भाई। और यहाँ से है ना वहाँ तक पूरा तोहफों का है ना सेक्शन है यहाँ पे, मतलब बाहर ही रखा हुआ है। इतना बड़ा तोहफ है यार, शायद से ये यहाँ पे होटल्स भी है। होटल्स यहाँ कौन रहना चाहे भाई, जबरदस्त। यहाँ पे फोटो वीडियो निकालेंगे हम लोग। और ये चर्च टाइप कुछ है, मुझे नहीं पता अंदर क्या है, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स रिस्पेक्टेड। एक्चुअली ये सब देखने जैसी प्लेसेस है और यहाँ पे लिटरली बहुत कम टूरिस्ट है, पूरा खाली है यार, कोई नहीं है। इतना बढ़िया व्यू भी है यहाँ पे, व्यू देखो यहाँ से यार, परेशान हो जाओगे तुम लोग। क्या कर सकते हैं, ऊपर भी कुछ है, लाइफ सेंटेंस, क्रिमिनल सेल्स और ऐसा कुछ जेल है यहाँ पे, यहाँ पे रखते थे, वहाँ पे भी है। तो डरी है कुछ? ये कौन सा यहाँ पे पुराने जमाने के लाइट्स बटन, और एक
पुराने जमाने के बटन से ऐसे लाइट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। लेट्स गो आगे, अभी जाते हैं आगे। और यहाँ भी और बहुत सारे जेल्स हैं, ये वाला देख लो आप। ऐसा लॉकअप हुआ करता था उस टाइम का, मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है उन्होंने। अभी वेल मेंटेन्ड है बट उस टाइम पे कुछ और ही लगता रहेगा, राइट। मस्त स्ट्रक्चर एकदम। आगे यहाँ पे लग रहा है कि बेहतर किया मैंने यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ से मैं डायरेक्टली जाने वाला था दूसरी जगह, ऑन एंड ऑफ था यहाँ पे आना, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आना टोटली वर्थ। ये इसका अलग करके ब्लॉग, इसका अलग से ब्लॉग डालूंगा मैं, दूसरे ब्लॉग में मिक्स नहीं करने वाला। अभी आगे जाने का कुछ मतलब बनता नहीं है क्योंकि जो है इतना ही है। थोड़े सिनेमैटिक्स देख लो आप तब तक। ऑलराइट, ये फाइनली आ गया जो फोर्ट ये तो हो गया जी, अपना फोर्ट देख के भी हो गया है। ये अपने फोर्ट के बाहर आ गए वापस, गाड़ी वहाँ पे पार्क किया था, गाड़ी लेके अभी निकलेंगे वापस घर पे। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये गोवा का जो ट्रिप था हमारा छोटा सा, आपको ज़रूर पसंद आया। और ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे पता है आपको ज़रूर पसंद आया। वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको ऐसी अलग अलग प्लेस की सीरीज चाहिए जहाँ पे मैं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ तो कमेंट डाउन बिलो। बाय। और ये है अपना आज का, और यहाँ पे बैठे हम लोग खाना खाने के लिए, एकदम बेस्ट लोकेशन पे मिल गया और काफ़ी रिजनेबल भी है। कैसा टेस्ट, कैसा है ब्रो? ठीक है, मैं तो भाई सादा खाना खाऊंगा, दाल खिचड़ी खाएंगे और निकलेंगे। और मेरा मेमोरी कार्ड ऑलमोस्ट भर गया है, ज़्यादा कुछ अभी शूट नहीं करूँगा। पैर धोए नहीं रे, कुछ नहीं, पैरों की हालत देखो रे, पूरा मिट्टी। चलो कोई नहीं, ये जो ट्रिप है याद रहेगा भाई, सच में याद रहेगा कि बहुत मजा आया है एक दिन में, सॉरी एक रात में। क्योंकि कल हम लोग कल की गाड़ी से आए, 24 आवर्स में गोवा आया, एक्सप्लोर कर दिया भाई, पूरा तो नहीं कर पाए लेकिन जितना भी किया मज़ा आ गया। आगे कुछ बोलूँ?